हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक। अपने चैनल डीके डिटेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप यदि मूली की खेती करना यदि आप चाहते हैं तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी। आपको जुताई से पहले उसमें क्या क्या डालना होगा जिससे कि आपकी मूली नीचे से उसमें कीड़े ना लगें, आपकी मूली ख़राब ना हो। क्योंकि गर्मी हो या बरसात हो, जड़े में कीड़े लग जाने की वजह से मूली ख़राब हो जाती है, जिससे उसका दाम नहीं मिल पाता है और बिक नहीं पाती है, ख़राब हो जाती पूरी तरीके से। पहला नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए क्लोरोपाइरीफास है 75% WG फार्म का। ये पाउडर दानेदार पाउडर फार्म में है, क्लोरोपाइरीफास 75% WG इंसेक्टीसाइड है। इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों तो 250 ग्राम का पैकेट है दोस्तों, 500 रुपये में मिला है। 250 ग्राम का पैकेट है, 500 रुपये में मिला है। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, देखिए कारटाप 4G कारटाप आता है, 4G कारटाप आता है, सरफेक्स कंपनी का है। कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR वरदान नाम से आता है, इंसेक्टीसाइड है। आप 4G कारटाप मांगेंगे तो मिल जाएगा। ये 3 बिस्वा के लिए होता है दोस्तों, एक पैकेट 1 KG आता है 3 बिस्वा के लिए। तो हमें 9-10 बिस्वे लगाना है दोस्तों मूली। देखिए हमने 3 पैकेट लिया है, हमने 3 पैकेट लिया है। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों 150 रुपये KG है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों स्वाधीन। जैसा कि आप देख सकते हैं स्वाधीन है, इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों तो 600 रुपये KG आता है। आपको 1 KG 1 बीघे के लिए आता है, तो आपको जितना लगाना है उससे आपका उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना 1 बीघे में डालना है। 1 बीघे के लिए 1 KG आता है दोस्तों। तो हमने 10 बीघा लगाना है तो इसलिए हमने 0.5 KG लिया है। और देखिए तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, देखिए बाहुबली है। बाहुबली है बायो फर्टिलाइज़र दोस्तों। बायो फर्टिलाइज़र देने से क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो पोषक सूक्ष्म पोषक कीड़े होते हैं दोस्तों, वो मरते नहीं हैं, उनका विकास होता है, इसलिए बायो फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। इसके उपयोग से दोस्तों मिट्टी में शक्तिशाली एंजाइम का रिसाव होता है, जिसके कारण सख्त एवं अघुलनशील कार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, लोहा एवं अन्य अघुलनशील तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व इसके बाहुबली देने से घुलनशील हो जाते हैं और आप पौधों की जड़ों तक अच्छी प्रकार से पहुंचते हैं, जैसे जिसके कारण पौधा पूरी तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्व को, माइक्रोन्यूट्रिएंट को लेकर के स्वस्थ हरा भरा हो जाता है। इसलिए बाहुबली हो या कोई भी आप फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। हमने बाहुबली लिया, इसकी प्राइस की बात करें तो 280 रुपये KG है। आप कोई भी बायो फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, तो हमने बाहुबली लिया है। पाँचवें नंबर पे आता है दोस्तों सल्फ़र, ये फंगीसाइड होता है दोस्तों। स्वाधीन भी फंगीसाइड ही है दोस्तों, स्वाधीन ज़रूर डालें, स्वाधीन डालना आपको ज़रूरी है। ये ऑप्शनल होता है, सल्फ़र ऑप्शनल होता है, इसे आप डालें या ना डालें, इस डाल देंगे तो अच्छा ही होता है, क्योंकि ये फंगीसाइड भी होता है। तो हमने 10 बिस्वा के लिए 0.5 KG सल्फ़र लिया है, 10 बिस्वा के लिए सजेंटा का थाई न्यूट्री लिया हूँ। ये हमको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिला था, क्योंकि इसके देने से पेड़ पौधा एकदम हरा भरा हो जाता है और फंगस भी नहीं लगते हैं, इसलिए हमने 0.5 KG इसे भी लिया है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए इन सभी चीज़ों को आपस में आपको मिला लेना है। पांच चीज़ को आपस में मिला लेना अच्छी प्रकार से। उसके बाद आप, गर्मी का मौसम चल रहा है तो ज़्यादा उसमें खाद वगैरह ना दें, जिससे गर्मी का मौसम में ज़्यादा गर्मी की वजह से पौधा उठने लगता है, सूख जाता है, इसलिए ज़्यादा उसमें DAP भी नहीं देना है। तो आप 1 KG बिस्वा के हिसाब से या 1.5 KG बिस्वा के हिसाब से DAP, 0.5 KG बिस्वा के हिसाब से यूरिया, 0.5 KG बिस्वा के हिसाब से पोटास मिला करके इन सभी को आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जितना आपको खेत में देना है उस हिसाब से मिला करके आपको पूरे खेत में जुताई से पहले दे करके आपको अच्छी से प्रकार से रोटा, पहले कल्टीवेटर चलाइए, उसके बाद रोटावेटर से अच्छी प्रकार से जुताई करवा दीजिए, जिससे मिट्टी बारीक हो जाए। और मेड़ पर मेड़ बना करके ही आपको मूली की बुआई करनी है, नहीं तो सारी बीज, इतनी महंगी बीज है, सब नष्ट हो जाएगी, नुकसान हो जाएगी।
क्योंकि 1600 रुपये के जी की बीज है दोस्तों। देखिए एग्रो की मिलती है 1500 से 1600 रुपये के जी, और देखिए नोबेल की मिलती है आपको 1300 से 1400 रुपये के जी, और सोमानी की मिलती है 1400 से 1500 रुपये के जी सोमानी की भी मिलती है। इसलिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि इन दवा को आपको प्रयोग करना ज़रूरी है। देखिए आप कुछ दें या ना दें, फंगीसाइड के लिए आप स्वाधीन जरूर देना है, आपको ये क्लोरोपाइरीफास देना है और कारटाप 4G, आपको ये चीज़ को, ये तीन चीज़ को तो देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े लग जाते हैं। मेन प्रॉब्लम कीड़े की रहती है, कीड़ा लग जाते हैं तो मूली ख़राब हो जाती है, बिकती नहीं है, एकदम बर्बाद हो जाती है, खाने योग्य नहीं होती है, तो बिकेगी कहाँ से दोस्तों। इसलिए इन तीन चीज़ को देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने जो बताया, तो आप हो सके तो आप बायो फर्टिलाइज़र दें, सल्फर दें। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें दोस्तों। और यदि आपको कीड़े के बारे में और कोई आपके पास दवा हो, जानकारी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि और किसान भाई जान सकें, हम भी जान सकें, जिससे और किसान तक हम पहुँचा सकें। इसलिए दोस्तों आपको कमेंट करना है दोस्तों, अधिक से अधिक कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों।